हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन की वजह से एक फ्रांसीसी परिवार भारत में फंसा हुआ है, ये खबर आपको दिखाते हैं। जी हाँ, देखिए फ्रांसीसी परिवार यूपी के महाराजगंज के गांव में रुका हुआ है, इसलिए बहुत दिलचस्प खबर है ये। देखिए फ्रांस से आके और यूपी के महाराजगंज के गांव में अगर ये परिवार है और लोगों को वहाँ अच्छा लग रहा है तो ये खबर सुकून देने वाली जरूर है। ये है वर्जिनी जो फ्रांस के टोलोस शहर की रहने वाली है, लेकिन इन दिनों ये अपने परिवार के साथ यूपी के एक गांव में रह रही है। फ्रांसीसी परिवार 1 मार्च से भारत में है। 22 मार्च को नेपाल जाने के लिए फ्रांसीसी परिवार यूपी के महाराजगंज पहुंचा था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से सीमा सील हो गई और ये लोग नेपाल नहीं जा पाए। अब महाराजगंज के कोलहुआ गांव में अपना अस्थायी ठिकाना बनाया है। इस फ्रांसीसी परिवार को गांव की आबो हवा काफी पसंद आई है। We are in India since 1st March and we are in this place, in this friendly village since 24 March. We are very, very lucky to be here with lockdown because people of this village are very, very friendly. जानकारी मिलने पर स्थानीय प्रशासन ने इस फ्रांसीसी परिवार से होटल में रुकने की गुजारिश की, लेकिन इन लोगों ने गांव में ही रुकने की इच्छा जताई। जानकारी होने पर जब हम लोग आए तो इनसे बातचीत किया गया, इनको होटल में भी रुकाने की व्यवस्था की गई, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का माहौल मुझे अच्छा है और इनका कहना है कि मैं यहीं रहूंगी, किसी होटल में नहीं, और यहाँ मुझे अच्छा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। इस फ्रांसीसी परिवार के लोग गाँव के लोगों के साथ काफी घुल मिल गए हैं और गाँव के लोग भी इनकी जरूरतों का काफी ख्याल रख रहे हैं। कि हमारी संस्कृति है अतिथि देवो भव, उस प्रकार से यहाँ के लोग, यहाँ के ग्रामीण इनकी बहुत ही केयर कर रहे हैं, इनके लिए हर चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं।